नमस्ते किशन भाइयों, मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल ग्रीन ट्री प्लान नर्सरी का तरफ से बोल रहा हूँ। हमारा नर्सरी का वीडियो देखने के लिए इंडिया का लाखों लाखों किशन भाई को स्वागत करती हूँ। आज हमने इस वीडियो में दिखाएंगे हमारा थाईलैंड का कुछ नया नया कनेक्शन है, बाहर का कुछ कनेक्शन है, उसका ऊपर हम वीडियो करके आप लोग को दिखा रहे हैं और वीडियो पूरा देखते रहे, ठीक है। हमारा सामने ये जो वैरायटी सब देख रहे हैं, ये व्हाइट डायमंड गोवा का प्लांट है, ठीक है, जो हमारा मदर प्लांट किया था। और इसमें देखिए कितना सारा ग्राफ्टिंग करके प्लांट हम लोग तैयार किया है, देख सकते हैं आप। ये देखिए व्हाइट डायमंड गोवा, इसका जो ऊपर का जो सील होता है ग्रीन कलर का होता है और इसका अंदर व्हाइट कलर का होता है, खाने के लिए काफ़ी अच्छा स्वीट होता है, ठीक है। जो रेड डायमंड का तरह सेम फ्रूट है, लेकिन फ्रूट रेड डायमंड का उसका अंदर रेड होता है और इसका अंदर व्हाइट कलर का होता है, फ्रूट एक ही है, ठीक है। और इसका अंदर जो बीस बिल्कुल जीरो रहते हैं, एक फ्रूट में आपको दो तीन आपको बीस रहते हैं। ये व्हाइट डायमंड ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। ये प्लांट लेने के लिए हमारा ग्रीन ट्री प्लान नर्सरी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसका पौधा भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। ये देखिए इसमें हम लोग कितना अच्छे से ग्राफ्टिंग करके प्लांट हम लोग तैयार किया है, और यहाँ पर आप देख लीजिए हमारा जो ग्राफ्टिंग करके तैयार किया है। देखिए इधर में आपको ग्राफ्टिंग करके प्लांट भी हम लोग रेडी किया है, कटिंग कर लिया है। ये देखिए ये प्लांट भी मेरे पास अभी अवेलेबल मिल जाएगा। देखिए हमारे पास कितना हेल्दी प्लांट है, इसका जो हम लोग कटिंग किया है आपको 20 दिन के आसपास भी हो गया, ठीक है। ये देखिए लेकिन इसका पाता कटिंग करने से बाद थोड़ा सा गिर जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। ये देखिए सब अभी नया ब्रांचेस आने स्टार्टिंग हो गया है प्लांट का ऊपर, तो हमारा पास आप देख लीजिए इसका अंदर सब फ्रूट से भी भर गया था, ठीक है। लेकिन गोवा का जितना भी वैराइटीज है सबसे ज़्यादा फ्रूट पकड़ता है ये व्हाइट डायमंड गोवा का, ठीक है। हमारा पास जो पौधा है इसका ऊपर अभी छोटा छोटा फल फूल पूरा भर गया था, हम लोग सब तोड़ दिया है, पेड़ का ग्रोथ अच्छा भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो काम है इसका ऊपर से ब्रांचेस लेने के लिए डाली लेते हैं हम लोग, ठीक है, फ्रूट लेने के लिए नहीं, इसलिए पेड़ का ऊपर फ्रूट रखेंगे तो पेड़ का ग्रोथ भी अच्छा नहीं होता, फ्रूट भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो हमारा पास अब पौधा आप देख लीजिए बहुत ही अच्छा हेल्दी प्लांट है, तो इसका जो हाइट है आपको लगभग 2 फीट का 2.5 फीट तक होगा, ठीक है, देख सकते हैं आप। सब पुराना ग्राफ्टिंग वाला पौधा है हमारा, देखिए ये देखिए ये काटिंग करके हमारा थोड़ा सा तेरपुल का अंदर में रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा, ये देने के बाद आपको पूरा सक्सेस हो जाएगा। और ये प्लांट अभी हम बाहर भेजने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट प्लांट हमारा पास आप लोग देख सकते हैं ये थाई आमड़ा का पौधा है, जो इसका जो मेन खासियत है ये ऊपर 12 महीने आपको फ्रूट मिलता है। और किसान चाहते हो आपको दूसरा प्लांट आपको मिलता है 2 साल 2.5 साल हो जाता है, उसका ऊपर कोई फल फूल का प्रोडक्शन नहीं आता है। तो हमारा पास आप पौधा भी आप देख लीजिए कितना छोटा प्लांट में आप देख लीजिए, बहुत ही छोटा प्लांट है, देखिए सब ग्राफ्टिंग वाला है और इसका ऊपर देखिए सब फल फूल से भरा हुआ है, देख लीजिए। और ये खाने के लिए आप बोलेंगे काफ़ी अच्छा स्वीट होता है। ये थाई आमड़ा का पौधा है, ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। और आमड़ा का पौधा जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर फल फूल लगा हुआ रहते हैं, ये देख लीजिए एक ही पौधा पर नहीं है, सभी पौधा में आपको फल फूल लगा हुआ है, देखिए सब नया नया फलर भी इसमें आ रहे हैं। और इसका जो फ्रूट गुच्छे भर के आता है, ठीक है, ये प्लांट भी मेरे पास प्रॉफिटेबल अवेलेबल मिल जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट प्लांट हमारा पास आप लोग देख सकते हैं ये रेड डायमंड गोवा का प्लांट है, ठीक है। ये गोवा का जितना भी वैराइटीज है ये भी वन ऑफ द बेस्ट वैराइटीज है, क्योंकि इसका जो ऊपर का जो सील होता है वो ग्रीन कलर होता है और इसका अंदर पूरा रेड कलर का होता है, और खाने के लिए काफ़ी अच्छा स्वीट होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए हमारा पास कितना अच्छा हेल्दी प्लांट है। और इसका जो मेन खासियत और एक है, ये आपको ऑल टाइम होता है, ठीक है। तो हमारा पास पौधा में छोटा छोटा अभी फलर भी लगा हुआ है, ये पौधा में आप देखिए 3-4 में इसमें ब्रांच भी लगा हुआ है, देख लीजिए ऑलरेडी। तो इसका प्लांटेशन करने के लिए हमारा ग्रीनरी प्लांट नर्सरी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसका पौधा भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। हमारा पास जो पौधा है कितना हेल्दी प्लांट है आप देख सकते हैं, इसका जो हाइट है आपको लगभग काई पौधा में आपको 3 फीट प्लस हो गया, ठीक है। और काई आपको 2 फीट 2.5 फीट का पौधा भी मेरे पास मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप कितना हेल्दी प्लांट है हमारा जापानीज रेड डायमंड गोवा,
ये गोवा का जितना भी वैराइटीज है ये भी वन ऑफ द एक सुपर हिट वैराइटीज है। ये देखिए इसका जो फ्रूट पूरा राउंड शेप में आता है, देख लीजिए, और इसका अंदर जो बीस बहुत बिल्कुल जीरो रहता है, एक फ्रूट में आपको एक दो बीस रहते हैं, बहुत छोटा छोटा, देख लीजिए। और ये जो वैराइटीज है कॉमर्शियल वैराइटीज है, क्योंकि इसका मेरा किसान भाई ने प्लांटेशन किया है तो बहुत ही अच्छा सक्सेस किया है ये वाला प्लांट, ठीक है। तो हमारा पास ऑल ओवर इंडिया इसका प्लांटेशन हो रहा है हमारा पास से पौधा लेके, तो किसान भाई ने मेरे को बोला बहुत ही अच्छा सक्सेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें ऑब्सेशन में आपको फ्रूट थोड़ा सा कम आता है, लेकिन जो इसमें ठंडी का मौसम में अच्छा फ्रूट इसमें मिल जाता है पूरा साल में, पूरा साल में सबसे लास्ट सर्दी का मौसम में आपको फ्रूट ज़्यादा पकड़ता है इसमें। तो यहाँ पर अब देखिए सब पुराना ग्राफ्टिंग है, देखिए। और ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी 100% जेन्युइन पौधा भेजते हैं, कोई प्लांट आपको उल्टा सीधा नहीं होगा, ठीक है। तो 100% पौधा लेने के लिए हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से आप कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। हमारा ऑल ओवर इंडिया होम डिलीवरी अवेलेबल है। ये जो वैराइटीज आप देख रहे हैं ये हमारा थाई कालापाती चीकू, चीकू बस जितना भी वैराइटीज है ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट वैराइटीज है, क्योंकि इसका जो फ्रूट गुच्छे भर के इसमें फ्रूट आता है। और हमारा पास आप पौधा भी आप देख लीजिए कितना हेल्दी प्लांट है, और इसके ऊपर अभी छोटा छोटा फ्लावर भी लगा हुआ है, देख लीजिए। थाई ऑल टाइम कालापाती चीकू, इसका जो फ्रूट आपको मीडियम साइज़ का होता है, थोड़ा सा लंबा होकर राउंड शेप में होता है, और इसका अंदर जो बीज बहुत छोटा रहता है, ठीक है। तो हमारा पास पौधा आप देख लीजिए बहुत पुराना ग्राफ्टिंग है, देख सकते हैं, और कितना हेल्दी प्लांट है आप देखिए। इधर में पूरा चीकू का हमारा ग्राफ्टिंग वाला है, ठीक है। और एक एक पौधा में आपको थोड़ा सा फॉलो कीजिए, सब ब्रांचेस वाला है, तीन चार करके इसमें डाली भी लगा हुआ है। और ये प्लांट हमारा एक मदर प्लांट हम वीडियो पे दिखाया था, जो कितना सारा फ्रूटिंग इसमें लगा हुआ है हमारा थाई कालापाती चीकू में। और इसका मेन खासियत यही है, ये इसका उम्र जब भी दो तीन साल हो जाएगा, एक एक पौधा में आपको 100 का ऊपर केजी का आपको फ्रूट मिलेगा, ठीक है, देख लीजिए। क्योंकि इसका कोई सिंगल फ्रूट नहीं आता है, जिसमें फ्रूट आता है पूरा गुच्छे भर भर के फ्रूट इसमें लगते हैं, और ये मीडियम साइज़ का होता है और पूरा अंगूर जैसे पकड़ता है, और इसका जो चीकू होता है ऐसे इसमें फ्रूट पकड़ता है। और एक मेन खासियत और एक है, ये ऑल टाइम होता है, कई भी साल कई भी महीने आप कई भी दिन आपको मिस नहीं होता, ऑलरेडी इसमें फल फूल आते जाते जाते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट लेने के लिए हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। और ये जो वैराइटीज है ये आपको टेरेस गार्डन होम गार्डन बनाने के लिए एक दो प्लांट आप लगा भी सकते हैं छोटा सा गमला के ऊपर, क्योंकि ये छोटा सा गमला के ऊपर ये प्लांटेशन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल है, ओके सर। नेक्स्ट प्लांट हमारा पास आप लोग देख सकते हैं, ये वियनर गोवा का प्लांट है। वियनर गोवा एक अच्छा सुपर हिट वैराइटीज है, क्योंकि मेरा प्यारे किशन भाई के लिए अच्छा सुपर हिट वैराइटीज है। ये नॉर्मली जो गोवा है नॉर्मली का जितना भी गोवा है, वियनर गोवा सबसे अच्छा वैराइटीज है, क्योंकि ये इसका जो फ्रूट आता है पूरा गुच्छे भर भर के इसमें फ्रूट लगते हैं, कोई सिंगल फ्रूट नहीं लगते है। तो हमारा पास पौधा भी आप देख लीजिए कितना हेल्दी प्लांट है, ये है वियनर गोवा। तो वियनर गोवा का जो प्लांट हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर छोटा छोटा फल फूल लगा हुआ रहते हैं। और हमारे प्यारे किशन भाई के लिए कितना अच्छा प्लांट हम लोग तैयार किया है आप देख लीजिए, इसके ऊपर अभी ऑलरेडी फल फूल लगा हुआ है, देख लीजिए। ये प्लांटेशन करने के लिए हमारे ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा ऑल ओवर इंडिया होलसेल का प्राइस में हम लोग भेजते हैं, ठीक है। 100, 200, 5000, 2000 जो प्लांट आप चाहिए मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा स्कीम का ऊपर भी नंबर दिया हुआ है, वही नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। ये देखिए कितना हेल्दी प्लांट है वियनर गोवा, इसका जो फ्रूट इतना सारा फ्रूटिंग इसमें लगते हैं, आपको पाता भी नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है। तो हमारा पास पौधा भी आप देख लीजिए पूरा भर भर के इसमें फ्रूट लगते हैं, और इसका अंदर 20 थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं रहता है, थोड़ा सा कम भी नहीं रहता है, ठीक है। वो प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। ये जो वैराइटी सब देख रहे हैं ये हमारा आशफल का पौधा है, देखिए हमारा सब ग्राफ्टिंग वाला पौधा है, और इसका जो फ्रूट होता है आपको लीसी का तरह इसमें फ्रूट लगते हैं, पहले ग्रीन कलर होता है, मैच्योर्ड होने के बाद येलो कलर का होता है। तो ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा,
और ये खाने के लिए आपको लीसी जैसा खाने के लिए लगते, सेम टू सेम इसमें फ्रूट ऐसे आता है। तो हमारा पास पौधा भी आप देख लीजिए कितना हेल्दी प्लांट है, और ये प्लांटेशन करने के बाद आपको लगभग एक साल का बाद आपको फ्रूट आने स्टार्टिंग हो जाएगा। और ये छोटा सा गमला के ऊपर ये प्लांट हो जाता है, और कई किशन भाई इसका प्लांटेशन करने के लिए हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका जो पौधा है आपको टेरेस गार्डन होम गार्डन बनाने के लिए एक दो प्लांट आप लगा भी सकते हैं। और ये छोटा सा प्लांट में आपको फ्रूट आता है, गुच्छे भर के आता है, ठीक है, प्लांट भी अवेलेबल है। ओके सर, नेक्स्ट प्लांट हमारा पास आप लोग देख सकते हैं, ये वेरिकेटेड माल्टा प्लांट है। इसका जो मेन खासियत है ये ऑल टाइम होता है। ये देखिए इसके ऊपर अभी फ्रूट था, ये देखिए सब अभी फ्रूट था, इसके ऊपर अभी ऑलरेडी फ्लावर बन स्टार्टिंग हो गया। जो वेरिकेटेड माल्टा, इसका ऊपर का जो सील है दो तीन कलर का होता है, और इसका अंदर पीला कलर का होता है, और खाने के लिए काफ़ी अच्छा स्वीट होता है। और इसका जो मेन खासियत है ये ऑल टाइम होता है, ठीक है। और इसमें कोई सिंगल फ्रूट नहीं लगते, जिसमें फ्रूट लगते पूरे गुच्छे भर के इसमें फ्रूट लगते। तो ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। हमारे पास पौधा भी आप देख लीजिए, सब बहुत पुराना वाला ग्राफ्टिंग है। इसका अंदर थोड़ा सा फॉलो कीजिए, देखिए सब पुराना ग्राफ्टिंग है, देख लीजिए। और कितना हेल्दी प्लांट है हमारे पास, देख सकते हैं आप। ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा, और ये प्लांट लेने के लिए हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट प्लांट हमारा पास आप लोग देख सकते हैं, ये रेड जैकफ्रूट का पौधा है। देख लीजिए हमारे पास कितना हेल्दी प्लांट है, सब पुराना वाला ग्राफ्टिंग है। इसका जो मेन खासियत है, इसका पहले ग्रीन कलर होता है, और मैच्योर होने के बाद पूरा रेड कलर का होता है, और ये छोटा सा प्लांट में आपको फ्रूट आ जाता है। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये प्लांट आपको कॉमर्शियल करने के बाद आपको लगभग डेढ़ साल का बाद आपको फ्रूट आने स्टार्टिंग हो जाएगा, क्योंकि ये प्लांट लगाने के बाद आपको डेढ़ साल वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, और इसका मेन खासियत है एक काई भी मिट्टी से प्लांटेशन हो जाता है। तो हमारा पास पौधा भी आप देख लीजिए कितना अच्छे से फ्रूट इसमें लगा हुआ है, देख लीजिए। और इसका अंदर जो बीज बहुत छोटा छोटा रहते हैं, ठीक है, प्लांट भी अवेलेबल है। ओके सर, नेक्स्ट प्लांट हमारे पास आप लोग देख सकते हैं, एक कश्मीरी रेड एप्पल बेर का पौधा है, एक अच्छा कॉमर्शियल वैरायटी से, मेरा प्यारे किशन भाई के लिए अच्छा सुपर हिट वैरायटी से। तो इसका प्लांटेशन करने के लिए हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। तो इसका जो मेन खासियत है, इसका जो फ्रूट पहले ग्रीन कलर होता है, मैच्योर्ड होने के बाद पूरा रेड कलर का होता है, एप्पल का तरह इसमें कलर आता है। तो ये कॉमर्शियल एक वैरायटी से, ठीक है। तो मेरा प्यारे किशन भाई के लिए हम ये प्लांट भी हम लोग तैयार किया है, क्योंकि ये जून जुलाई में ये प्लांटेशन आप करने के बाद आपको जनवरी महीने का आपको आराम से इसके ऊपर से फ्रूट ले सकते हैं। तो हमारा पास जो पौधा है इसके ऊपर अभी फ्लावर से पूरा भरा हुआ है, देख लीजिए। तो ये प्लांट आपको पूरे होलसेल का प्राइस में हम लोग ऑल ओवर इंडिया भेजते हैं, ठीक है। अगर कोई किशन भाई इसका प्लांटेशन करने के लिए हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा 100% जेन्युइन पौधा मिलेगा, कोई प्लांट आपको उल्टा सीधा प्लांट नहीं मिलेगा। देखिए कितना हेल्दी प्लांट है हमारा पास, जो पौधा है जो कश्मीरी रेड एप्पल बेर का भी हमारे पास तीन चार कलर का वैराइटीज मिल जाएगा, जो बॉल सुंदरी एप्पल बेर है, नूरानी सुंदरी एप्पल बेर है, और ये जो देखा रहे हमारा मेरा बंगाल से बोलते हैं मिस इंडिया एप्पल बेर है, ठीक है, और कश्मीरी थाई ग्रीन एप्पल बेर है। तो हमारा पास नया वैराइटीज भी आया है जो खट्टा मीठा, ठीक है, उसका नाम है तोहफा बेर का प्लांट है, जो एक ही फ्रूट आप खाएगा आपको खट्टा मीठा का तरह लगते हैं। तो वो प्लांट भी मेरे पास मिल जाएगा, वो पूरा नया वैराइटीज है, ये देखिए इसका ऊपर अभी फ्रूट भी इसमें लगा हुआ है। तो ये प्लांट कॉमर्शियल एक वैराइटीज है, इसका मेरा प्यारे किशन भाई ने अच्छा प्रोडक्शन इसका ऊपर से ले रहे हैं, और ये प्लांट ऑल ओवर इंडिया होम डिलीवरी चाहिए तो अवेलेबल है। ओके सर, नेक्स्ट प्लांट हमारा पास आप लोग देख सकते हैं, ये डार्जिलिंग ऑरेंज, जो ऑल टाइम वैराइटीज है। इसका जो मेन खासियत है, ये पूरा बारह मास से आपको फ्रूट मिलते है। तो हमारा पास जो पौधा है इसका ऊपर अभी ऑलरेडी फ्रूट भी लगा हुआ है, देख लीजिए, और कितना हेल्दी प्लांट है आप देख सकते हैं। एक एक पौधा में आपका तीन चार कार के ब्रांच भी इसमें लगा हुआ है, और ये बहुत पुराना वाला ग्राफ्टिंग है, देख लीजिए बहुत पुराना वाला ग्राफ्टिंग है। और इसका ऊपर हमारा मदर प्लांट में इसमें एक बार बना कर भेजा है वीडियो, जो उसमें कितना सारा फ्रूटिंग लगा हुआ है। इसका मेन खासियत है कोई सिंगल फ्रूट इसमें नहीं लगते हैं, जिसमें फ्रूट लाएगा आपको गुच्छे भर के इसमें फ्रूट लगते हैं। तो ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। तो हमारा पास अभी देखिए दार्जिलिंग ऑरेंज का
कितना हेल्दी प्लांट है आप देख लीजिए। ये देखिए सब पुराना ग्राफ्टिंग है, ठीक है। ये देखिए सब, क्योंकि ये प्लांट पूरा रेडी हो गया है, क्योंकि आपका काम है प्लांट आप लगा दीजिए और इसके ऊपर से आप फ्रूट ले लीजिए एक ही, और इसके ऊपर अभी एक दो करके फ्रूट भी इसमें आना स्टार्टिंग हो गया हमारा पौधे में। देखिए कितना हेल्दी प्लांट है ये। टेरेस गार्डन होम गार्डन बनाने के लिए एक अच्छा वैरायटी है, क्योंकि छोटा सा गमला के ऊपर प्लांटेशन हो जाता है। ये देखिए सब फ्रूट इसमें छोटा छोटा लगा के रखा है। इस तरह प्लांट लेने के लिए हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका पौधा भी मेरे पास पॉजिटिव अवेलेबल है, ठीक है। ये देखिए ये पौधा में आप देखिए ब्रांच स्वीप देखिए पूरा भरा हुआ है। ये हमारा बिग साइज का प्लांट है, तो हमारा इसका हाइट आपको 2.5-3 फीट का है, लेकिन ब्रांच से पूरा भरा हुआ है। ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट प्लांट हमारा पास आप लोग देख सकते हैं ये बारी वन स्वीट माल्टा। बारी वन स्वीट माल्टा एक अच्छा सुपर हिट वैरायटी है, और ये साल में एक ही बार होता है, और ये खाने के लिए काफ़ी अच्छा स्वीट होता है, ठीक है। लेकिन हमारा पास जो पौधा है इसके ऊपर देखिए फ्रूट भी लगा हुआ है, और ये फ्रूट देख के आपको मालूम पड़ जाएगा ये बारी वन स्वीट माल्ट है, क्योंकि इसका पीछे का जो है शीकी का तरह इसमें चिन्ह लगता है, ठीक है। तो हमारा पास देखिए जो बिग साइज का प्लांट है, और इसके ऊपर फ्रूट भी लगा चालू हो गया है, देख लीजिए। एक ही पौधा पर नहीं है हमारा, इसका बाजू में जो जो पौधा है सब एक एक करके फ्रूट भी लगा हुआ है। हम लोग फ्रूट इसमें तोड़ देते हैं, पेड़ का ग्रोथ भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। लेकिन हमारा जो टेरेस गार्डन होम गार्डन बना देते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा प्लांट है वाला, ठीक है। ये देखिए इसका ऊपर भी फ्रूट भी लगा हुआ है, देखिए इसका दो ब्रांच भी है और एक फ्रूट भी इसमें लगा के रखा है, और इसका जो फ्रूट पूरा गुच्छे भर के आता है, कोई सिंगल फ्रूट इसमें नहीं लगते हैं। जो पेड़ हम देखाएंगे सभी पेड़ में आपको एक एक करके फ्रूट भी लगा हुआ है। कोई ज़मीन आपका आसपास में पड़ा हुआ तो ये प्लांट आप लगा भी सकते हैं, और एक कई भी मिट्टी से प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। स्पेशल कई ऐसा नहीं है जो ये मिट्टी से होगा ये वेदर से होगा, कई भी मिट्टी से प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है सर। ये देखिए फ्रूट देखिए, हमारा बिग साइज का पौधा है, इसका जो थैली बड़ा साइज का है। तो इस तरह प्लांट लेने के लिए हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका पौधा भी मेरे पास प्रॉफिटेबल अवेलेबल मिल जाएगा, जो बारी वन स्वीट माल्ट है। और आपको व्हाट्सएप में लिख के भेजना पड़ेगा कौन सा प्लांट, ठीक है। प्लांट का नेम थोड़ा सा लिख के भेजना पड़ेगा, हमारा प्राइस लिस्ट नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि काई काई कस्टमर ले रहे हैं आपको 10 प्लांट, काई काई 20 प्लांट, काई काई 50 प्लांट, तो इसलिए हम लोग प्राइस लिस्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो जो जो प्लांट आपको चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना प्लांट का नेम। तो सर कितना हाइट का पौधा चाहिए वो भी मेरे को व्हाट्सअप पे लिख के भेजना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा 2 फीट 3 फीट 4 फीट का पौधा चाहिए वो भी लिख के मेरे को भेजना पड़ेगा। और 5-10 पीस प्लांट लेंगे तो उसके लिए रेट अलग होता है, 100, 200, 500 प्लांट लेंगे तो उसके लिए रेट अलग अलग होता है, ठीक है। हमारा 100 के ऊपर जाएगा तो हम लोग पूरा होलसेल का प्राइस में भेजते हैं, और इंडिया का कई भी जगह से प्लांट आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो वैरायटी सब देख रहे हैं हमारा ताइवान पिंक गोवा, ताइवान पिंक अच्छा सुपर हिट वैरायटी से। इसका जो मेन खासियत है इसका ऊपर का जो सील है आपको ग्रीन कलर होता है, और इसका अंदर पिंक कलर का होता है। और हमारे पास जो पौधा है इसके ऊपर अभी छोटा छोटा फल फूल से पूरा भरा हुआ है, देख लीजिए ताइवान पिंक गोवा। तो इसका मेन खासियत है इसका जो फ्रूट आपको 250-300 ग्राम का वेट होता है, और फ्रूट जो आता है पूरा गुच्छे भर के आता है, और ये छोटा छोटा फ्रूट इसमें लगता है, और हमारे पास ये खाने के लिए आपको काफ़ी अच्छा स्वीट होता है, ठीक है। तो ये प्लांट भी आप एक छोटा सा एक गमला के ऊपर प्लांटेशन हो जाता है। टेरेस गार्डन होम गार्डन बनाने के लिए ये प्लांट आप कमर्शियल करने के लिए लगा भी सकते हैं, इसका फ्रूट का मात्रा ज़्यादा पकड़ता है। यहाँ पर आप देख लीजिए एक ही पौधा पर नहीं है, ये देखिए इसका अंदर सब फ्रूट से भी पूरा भरा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह प्लांट कोई किशन भाई प्लांटेशन करने के लिए हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसका प्लांट अवेलेबल है। ओके सर, ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये हमारा नागपुर ऑरेंज का प्लांट है, ये देख लीजिए हमारे पास कितना हेल्दी प्लांट है। इसका जो फ्रूट पहले ग्रीन कलर होता है, मैच्योर होने के बाद पूरा येलो कलर का होता है, और इसमें मैच्योर होने फुल मैच्योर होने के बाद
जूस ज़्यादा निकलता है, ठीक है। तो ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। तो हमारा पास अभी देखिए नागपुर ऑरेंज का आपको 2-2.5 फीट का पौधा है और कितना हेल्दी प्लांट है आप देख सकते हैं आप। ये देखिए हम एक पौधा हम उठा के दिखाएंगे हमारा पास कितना अच्छा हेल्दी प्लांट है। और लेकिन 2-2.5 फीट का पौधा है लेकिन ब्रांचेस से पूरा भरा हुआ है। ये देखिए इसमें 3 ब्रांच इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा जो नागपुर ऑरेंज, ठीक है। देख लीजिए कितना अच्छे से इसमें ब्रांचेस आ रहा है। तो इसका जो मेन खासियत है साल में आपको 2-3 बार आपको फ्रूट मिलते हैं ये नागपुर ऑरेंज का, क्योंकि इसमें ऑल टाइम बोला जाता है। तो हमारा पास ये प्लांट भी मेरे पास मिल जाएगा और ये प्लांट लेने के लिए हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्लांट भी अवेलेबल है। ओके सर, नेक्स्ट प्लांट हमारा पास आप लोग देख सकते हैं ये किन्नू ऑरेंज का प्लांट है, ठीक है। किन्नू ऑरेंज एक नया वैरायटी से इसका जो फ्रूट होता है आपको मीडियम साइज़ का होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है और ज़्यादा छोटा भी नहीं होता है। और इसका ऊपर का जो सेल पहले ग्रीन कलर होता है और मैच्योर्ड होने के बाद पूरा येलो कलर का होता है, ठीक है। तो हमारा पास आप देख सकते हैं किन्नू ऑरेंज का जो मेन खासियत है इसमें कोई सिंगल फ्रूट नहीं लगते है, इसका जो फ्रूट आता है पूरा गुच्छे भर के इसमें फ्रूट लगते हैं। और ये प्लांट में आपको साल में आपको 2 बार फ्रूट इसमें मिलता है। तो हमारा पास पौधा भी आप देख लीजिए कितना हेल्दी प्लांट है आप देख सकते हैं आप। इसका एक एक पौधा में आपको 3-4 करके इसमें ब्रांचेस लगा हुआ है, देख लीजिए। तो ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। हमारा पास पौधा आप देख लीजिए कितना हेल्दी प्लांट है। ये हमें हमारा सब बिग साइज़ का पौधा है, ठीक है। ये देखिए सब बिग साइज़ का पौधा है और सब ब्रांच देखिए कोई सिंगल डाल इसमें नहीं लगते, सब ब्रांचेस वाला। तो ये टेरेस गार्डन होम गार्डन बनाने के लिए ये प्लांट लगा भी सकते हैं, क्योंकि इसका फ्रूट देखने से पूरा मन भर जाता है, इतना फ्रूटिंग इसमें लगता है, पूरा भर भर के इसमें फ्रूटिंग इसमें लगता है। ये देखिए तो ये प्लांट लेने के लिए हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। और ये प्लांट लेने के लिए हमारा व्हाट्सअप करना पड़ेगा, हमारा व्हाट्सअप नंबर एक ही है जो लास्ट 99 इस स्कीम के ऊपर भी नंबर दिया हुआ है, वही नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए जो हम पूरा नर्सरी घुमा के दिखा रही है कितना हेल्दी प्लांट है हमारा किन्नू ऑरेंज का, देख सकते हैं आप सब ब्रांचेस वाला, ये पूरा नया वैरायटी से ये प्लांट भी अवेलेबल है। ओके सर, नेक्स्ट प्लांट हमारा पास आप लोग देख सकते हैं ये G9 बनाना का प्लांट है हमारा। ये एक अच्छा शानदार वैरायटी से मेरा प्यारे किशन भाई के लिए अच्छा सुपर हिट वैरायटी से। अगर कोई किशन भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हमारा साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। और ये इसका जो मेन खासियत है ये छोटा सा एक प्लांट में आपको फ्रूट आता है, ठीक है। इसका ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, ये छोटा प्लांट, इसका हाइट आपको 5 फीट का होगा तो आपको फ्रूट इसके ऊपर से मिल जाएगा। और ये पहले ग्रीन कलर होता है और मैच्योर्ड होने के बाद पूरे येलो कलर का होता है, ठीक है। तो इसका साइज़ भी एक एक फ्रूट में आपको लगभग 300-400 ग्राम का वेट होता है ये G9 बनाना का। इसका फ्रूट जो आता है गुच्छे भर के इसमें फ्रूट लगते हैं। तो ये प्लांट भी हमारा पास अवेलेबल मिल जाएगा। तो हमारा पास पौधा भी आप देख लीजिए कितना अच्छा हेल्दी प्लांट है, देख लीजिए। इसका जो हाइट है आपको लगभग 1-1.5 फीट का पौधा भी है हमारा पास, ठीक है। कोई किशन भाई प्लांटेशन करने के लिए हमारे ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका प्लांट अवेलेबल है। ओके सर, नेक्स्ट प्लांट हमारा पास आप लोग देख सकते हैं ये ब्लैक शोरिता ग्रेप्स का पौधा है, ये पूरा नया वैरायटी है हमारा पास। इसका जो फ्रूट है आपको थोड़ा सा लंबा होता है और पहले ग्रीन कलर होता है, मैच्योर्ड होने के बाद पूरा ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। ये सब हमारा बाहर का वैरायटीज है। और हमारा पास पौधा भी आप देख लीजिए, इसका जो स्टम है काफ़ी अच्छा मोटा है, ठीक है, क्योंकि ये प्लांट आपको कोई ख़राब नहीं होगा, ठीक है, 100% जेन्युइन पौधा होगा। ये देख लीजिए कितना हेल्दी प्लांट है ये ब्लैक सोरिता, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट हमारा पास आप लोग देख सकते हैं ये कृष्णा ब्लैक ग्रेप्स का पौधा है, ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। तो 1-2 प्लांट आप टेरेस में आप लगा भी सकते हैं टेरेस गार्डन होम गार्डन में, क्योंकि इसका छोटा सा गमला के ऊपर प्लांटेशन हो जाता है और इसका जो फ्रूट इसका अंदर कोई सीट नहीं रहते, ये सीटलेस वैरायटी से, ठीक है। तो हमारा पास ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। देखिए कितना अच्छा हेल्दी प्लांट है, देख सकते हैं आप।
यह है कृष्ण बेला ग्रेप्स का पौधा है, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट हमारा पास आप लोग देख सकते हैं फोर सीजन ग्रेप्स का पौधा है। इसका जो मेन खासियत है ये आपको ऑल टाइम फ्रूट आपको मिलता है, और इसका स्टम भी आप देख लीजिए काफ़ी अच्छा मोटा है, क्योंकि ये कोई ख़राब नहीं होगा, ठीक है। और इसका जो मेन खासियत है बारह मास से आपको फ्रूट मिलता है, और इसका जो फ्रूट होगा आपको ग्रीन कलर का होगा, और इसका अंदर जो बीज बिल्कुल छोटा एक बीज रहते हैं, ठीक है, बहुत छोटा एक बीज आपको मिलता है इसका अंदर। और ये ऑल टाइम वैराइटीज है, ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। तो हमारा पास पौधा भी आप देख लीजिए कितना अच्छा हेल्दी प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट हमारा पास आप लोग देख सकते हैं NHD ग्रीन कैप्सूल। इसका जो फ्रूट आपको ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, मीडियम साइज़ का होता है और ग्रीन कलर का होता है, मैच्योर होने के बाद येलो कलर का टाइप का होता है, ठीक है। ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा, इसका नाम है NHD ग्रीन कैप्सूल। ये पूरा नया वैराइटीज हमारा पास, ठीक है। ये एक कॉमर्शियल वैराइटीज है, टेरेस गार्डन बनाने के लिए ये भी एक अच्छा सुपर हिट वैराइटीज है, और ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट हमारे पास आप लोग देख सकते हैं अनुष्का ग्रीन ग्रेप्स का पौधा है ये वाला, ठीक है। ये पूरा नया वैराइटीज है हमारा पास, और इसके स्टम भी आप देख सकते हैं कितना सारा मोटा स्टम है, ठीक है। तो हमारा पास प्लांट अभी छोटा है, लेकिन इसका स्टम काफ़ी सारा मोटा है, क्योंकि ये प्लांट हम भेजने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हमारा पास ये प्लांट भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पास ग्रेप्स का आपको 15 रकम का वैराइटीज मिल जाएगा, सब नया वैराइटीज है, ठीक है। ये देखिए, ये नानी ग्रेप्स का पौधा है, ठीक है। नानी ग्रेप्स, नाना ग्रेप्स, मामा ग्रेप्स, सब कुछ मेरे पास मिल जाएगा। तो इस तरफ ग्रेप्स का पौधा लेने के लिए हमारे पास कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कोलकाता वेस्ट बंगाल ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी, हमारा ऑल ओवर इंडिया होम डिलीवरी चाहिए तो होम डिलीवरी अवेलेबल है, कॉमर्शियल वैराइटी चाहिए तो कॉमर्शियल भी मिल जाएगा, ठीक है सर। ये जो वैराइटी आप देख रहे हैं हमारा रेड आंवला का पौधा है, ठीक है। इसका जो फ्रूट होगा पहले ग्रीन कलर होगा, मैच्योर होने के बाद पूरा रेड कलर का होगा होता है, ठीक है। तो हमारा पास पौधा भी आप देख लीजिए कितना हेल्दी प्लांट है, और इसमें सब हमारा ग्रेफ्टिंग वाला पौधा है। और हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी 100% जेन्युइन पौधा भेजते हैं, कोई पौधा आपको 20 से तैयार प्लांट नहीं है, 100% ग्रेफ्टिंग वाला है और 100% जेन्युइन पौधा भी है, ठीक है। कोई प्लांट आपको उल्टा सीधा नहीं होगा। इसका तरफ दूसरा भी प्लांट है हमारे पास मिलता है जो ग्रीन आंवला, ठीक है। ये जो देखा रहे हमारा रेड आंवला का पौधा है, ये भी बहुत ही अच्छा हेल्दी प्लांट है। इसका जो हाइट है आपको लगभग आढ़ाई फीट का पौधा भी मेरे पास मिल जाएगा, 2.5 फीट का, ठीक है। ये देखिए, और ये प्लांट आप कॉमर्शियल करने के बाद आपको लगभग 1 साल के अंदर में आपको फ्रूट आना स्टार्टिंग हो जाता है, क्योंकि ये प्लांट में हमारा छोटा सा प्लांट में आपको फ्रूट आना स्टार्टिंग हो जाता है, ठीक है। ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा, ओके सर। नेक्स्ट प्लांट हमारा पास आप लोग देख सकते हैं ये स्वीट मैंडरिन ऑरेंज का पौधा है, ठीक है। ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। ये स्वीट मैंडरिन का जो मेन खासियत है आपको ऑल टाइम होता है, और खाने के लिए इसका अंदाज जो होता है बहुत ही अच्छा स्वीट होता है, और फ्रूट का अंदर जो होता है ये पीला काला टाइप का होता है, और एक गुच्छे भर के आता है, ठीक है। ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। और किसान से तो हमारा और हमारा पास कौन सा प्लांट लेना होगा तो मेरा को व्हाट्सअप को उसका नेम भेजना पड़ेगा, ठीक है। और हमारा और एक रिक्वेस्ट हम बार बार बोलते हैं, वीडियो पर बोलते हैं, हमारा जो प्लांट आपको डिलीवरी हो जाता है उसका पैकिंग खोल के साथ साथ उसका वीडियो करके मेरे को भेज देना। उसका प्लांट कोई टूट फूट अगर कोई डैमेज फूट फूट जाएगा तो उसके लिए आपको रिपेले भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको प्लांट खोलने के बाद 2 दिन के बाद मेरे को वीडियो करके भेजना, उसके लिए आपको रिपेले भी नहीं मिलेगा, ठीक है। पैकिंग खोलने के साथ आपको वीडियो करके मेरे को भेजना पड़ेगा। और हमारे प्यारे किशन भाई के लिए हम बार बार बोलते हैं, प्लांटेशन करने के लिए हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा सब कुछ थाईलैंड का वैराइटीज प्लांट, ठीक है, गोवा बेर का प्लांट, सब कुछ मेरे पास मिलता है पूरा होलसेल का प्राइस में। और इंडिया का कई भी जगह से प्लांट आप ऑर्डर कर सकते हैं, 2000, 5000, आप जितना भी प्लांट आप ले सकते हैं। हमारा हावड़ा स्टेशन से बुकिंग करके हम लोग ऑल ओवर इंडिया भेजते हैं। अगर कोई प्लांट आपको टूट फूट जाएगा तो उसके लिए आपको रिपेले भी मिल जाएगा। और एक एक 100 के ऊपर जो पौधा लेंगे उसके लिए आपको 10 प्लांट करके फ्री में मिलेगा, ठीक है, उसका साथ।
और हमारा हावड़ा स्टेशन से बुकिंग होके हम लोग ऑल ओवर इंडिया भेजते हैं। और आपको जंक्शन स्टेशन में बुकिंग होता है, आपको आसपास कोई जंक्शन स्टेशन होगा तो आप मेरे को बोल देना, मेरा एजेंट के साथ हम बात करके आप लोग का हम भेज देंगे। और हमारा यूट्यूब चैनल नया फ्रेंड्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और किशन भाई के लिए जो ऑफर हम लोग दिया है 100 के ऊपर कई भी प्लान लेंगे तो उसके लिए 10 प्लान आपको फ्री में मिलेगा। इंडिया का कई भी जगह से प्लान आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा ऑल ओवर इंडिया होम डिलीवरी चाहिए तो होम डिलीवरी भी अवेलेबल मिल जाएगा। टेरेस गार्डन बनाने के लिए, होम गार्डन बनाने के लिए जो 1-2 पीस प्लान लेते हैं उसके लिए आपको होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, ठीक है। हमारा ऑनलाइन सुविधा भी अवेलेबल है। हमारा नर्सरी कोलकाता वेस्ट बंगाल पे है और कई भी जगह से प्लान आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। हमारा ऑल ओवर इंडिया होम डिलीवरी अवेलेबल है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू यूट्यूब वॉचिंग माई वीडियो। ओके सर।